बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि खाना मिला है उसको, अब खाना किसी किस्म का भी हो सकता है, तो इसकी मुख्तलिफ सूरतों को और मुख्तलिफ ताबीरों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी दरवेश को खाना देना तो दलील है कि गम और तरस और खौफ से निजात पाएगा, और अगर देखें कि किसी काफर को खाना दे तो दलील है कि दुश्मनों के कामों में अल्लाह ताला इसकी मदद करेगा। और हजरत दानियाल फरमाते हैं कि खाना और शरबत जो इसको मिला है इसकी तावील बद है, मगर अगर फालूदा या हलवे की कोई किस्म जो रोगन और शहद से तो इसकी तावील माल मिलना है। हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई देखे कि सोने और चांदी का खाना है तो माल नुकसान है, यानी कि अगर कोई देखे कि सोना और चांदी के बर्तनों में खा रहा है या सोना और चांदी को खा रहा है तो माल को खा रहा है, और अगर कोई देखे कि इसके घर में खाना है और सबने खाया है तो दलील है कि उसको इतना रिस्क मिलेगा कि उसकी सारी उम्र याशी से गुजरेगी। ये माल गैब से, विरासत से, मुनाफे से, लॉटरी से या किसी भी सूरत में उसको कसीर तादाद में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।